दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास बांध में एक लोमड़ी भी रहती थी। कछुए और लोमड़ी की दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे आपस में बातें कर रहे थे कि एक बाघ वहां आया। बाघ को देखकर दोनों अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की। यहाँ फिर आपको एक एक करके फिर पढ़ना भी है, ठीक है? तो ध्यान देना, जो भी वर्ड्स अगर पता ना चला तो मुझे पूछना, तो सर इसका क्या मीनिंग है। और भागे अपने अपने घर की ओर भागे। कछुए की धीमी चाल के कारण बाघ ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए पेड़ के नीचे चला गया। बुलक क्यों बैठे पाछी मार कर, लेकिन बाघ कछुए को खा नहीं पाया। क्या लिखा ये? लोमड़ी यह देख रही थी, उसने कछुए को बचाने के लिए मांग से झांक कर, ये क्या है? जो है, ठीक है, मांग में जाकर बाहर देखा और बोली बाघ जी कछुए के खोल को तोड़ने का में आसान तरीका बताती हूँ। उसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। बाघ ने कहा ठीक है अभी, हाँ ठीक है, देख लेता हूँ यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। मित्र की मदद से कछुए की जान बच गई। तो यार हाँ, दो मिनट बता दो तो यार, वंशी का चंदू वंशी पढ़ेगी, चलो ये पढ़ाती एक बार ध्यान दो, चलो क्या हुआ, क्या हुआ एक ही बार तुमने किया उसमें भी चीज नहीं पढ़ रही, चलो वंशा में ध्यान दो जो ना रेस कर बात करें। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था तालाब के पास बाद में एक लोमड़ी भी रहती थी। कछुए और लोमड़ी की दोस्ती हो गई।
बातें कर रहे थे कि एक बाघ वहां आया बाघ को जीतकर दोनों अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की और भागे कछुए की धीमी चाल के कारण बाघ ने कछुए को मुँह में पकड़ा और उसे खाने के लिए पेड़ के नीचे चला गया लेकिन कछुए को खा नहीं पाया लोमड़ी यह देख रही थी उसने कछुए को बचाने के लिए बाघ से झटकर